बॉलीवुड और गालियां, ये दोनों शब्द ना लगता है एक दूसरे की किस्मत में लिटरली सिल गए हैं, क्योंकि गालियां चाहे इवेंट्स पे अजीब सा डांस करने के लिए पड़े, पार्टी में नाइट सूट पहन के पहुंच जाने के लिए पड़े, अपनी साड़ी खुद ना पकड़ने के लिए पड़े, बहुत ही यूनिक टाइप के कपड़े पहनने के लिए पड़े, या कपड़े ना पहनने के लिए पड़े, पड़ती जरूर है। बट ऑनेस्टली आई थिंक कि फैशन तो एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें एक्चुअली बॉलीवुड वाले आए दिन हगते हैं। आई मीन लाइक व्हाट इज दिस, नो लाइक रियली, मेरे को प्लीज कमेंट्स में बताना कि आखिर ये सब है क्या। कोई गली की चुगलखोर आंटी बन के घूमता है तो कोई चड्डी वाला सुपरमैन बन के घूमता है, कोई ब्रांड्स पहनने वाला डाकू बन के घूमता है तो कोई झूमर 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 बन के घूमता है, लेकिन वो भी ऑब्वियसली कॉपीड, क्योंकि बॉलीवुड का कहां गुजारा है कुछ कॉपी किए बिना। लाल सिंह चड्डा, सस्ती कैंडल जेनर, द लास्ट कॉपी ऑफ कैंडल जेनर, आई मीन कम ऑन, डू बेटर, कैंडल लाइट, हर फैशन इज सो मच इंस्पायर्ड बाय कैंडल, फ्लिपकार्ट कैंडल जेनर, एट द रेट कैंडल जेनर, लुक एट योर कॉपीकैट, आई नीड दिस कॉन्फिडेंस इन माय लाइफ, दिस लुक ओनली सूट्स कैंडल जेनर, या बट कैंडल 1000 टाइम लुक बेटर देन अनन्या, आप बिल्कुल मछली जैसी दिख रही हो। आपको सोशल मीडिया पे बड़ी हेट मिल रही है, आपको लोग कह रहे हैं आपने कैंडल जेनर को कॉपी करा है। वेल, उन लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग भाग बाहर में जाइए। थैंक यू अनन्या जी, आई लव यू। वैसे ऐसा नहीं है कि आउटरेजियस फैशन वाली चीजें सिर्फ आजकल की जनरेशन के एक्टर्स कर रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड और क्रेजी फैशन का रिलेशन एकदम ओल्ड फैशन, क्या बोल गया मैं, व्हाट आई मीन इज कि बॉलीवुड और क्रेजी फैशन का रिश्ता बहुत पुराना है, लाइक इनके लव स्टोरीज, लाउड डांस, ओवर द टॉप एक्शन, पारिवारिक ड्रामा, प्रॉपर्टी के कागजात के ऊपर होती हुई लड़ाइयों के ऑब्सेशन से भी ज्यादा पुराना। लेकिन चलो यार, आई कैन अंडरस्टैंड कि हर इंसान को राइट होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का थ्रू फैशन, लेकिन क्या फायदा ऐसे फैशन का जिसपे आपकी खुद की बेटी मुंह बना रही हो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। डैड क्या कर रहे हो, और कहीं भी चले जाओ जहां आपको अजीब फैशन दिखेगा, वहां आपको एक वीरल बयानी वाले, एक पिंकवेला वाले, एक वूंपला वाले, और इनके साथ साथ रणवीर सिंह के नाम के कॉमेंट्स जरूर मिलेंगे। सर, रणवीर से दोस्ती कर ली क्या? सर, लगता है ये पजामा रणवीर सिंह ने डिजाइन किया होगा। लगता है रणवीर सिंह घुस गया है आपके अंदर। इनफैक्ट ये वीडियो बनाने का आइडिया भी मुझे तभी आया जब मैंने रणवीर का वो लेटेस्ट पंगा ओवर नंगा वाला फोटोशूट देखा, जिसे मुझे यहाँ दिखाने के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर देना प्लीज, कमेंट भी कर देना नीचे फॉर एंगेजमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो गाइज, रणवीर को दिखाने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने उनको चड्डी दान दे दी है, बिल्कुल इंदौर के लोगों की तरह जिन्होंने उनको कपड़े दान दिए हैं। वेल, ये चड्डी दान देने का असली रीजन तो ये था कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और शायद इस फोटो की वजह से वीडियो डिमोनेटाइज हो जाता, तो आई डोंट वांट दैट। खैर, तो अब हम रणवीर को जल्दी से कपड़े पहनाएंगे। तो अब तक काफी लोग समझ चुके होंगे कि मार्वल आपको मल्टीवर्स दिखा रहा है और मैं यहाँ पे आपको चड्डीवर्स दिखा रहा हूँ। सो या, दैट्स माय इंस्पिरेशन। And there we have it, Ranveer man into the Chaddiverse. तो रणवीर सिंह जी हैं बेसिकली हमारे इंडिया के फैशन पोकेमोन, एंड यस आई नो कि ये सेम चीज मैं उर्फी जावेद के लिए भी बोल चुका हूँ, लेकिन क्योंकि आजकल उर्फी पूरी पागल हो गई है। एक मिनट रुकिए, इधर हो गया, आपके घर तक हो गई क्या? अरे जबरदस्त, आप बुलाओ तो मैम। इसीलिए हम उर्फी को उठा के फैशन कैटेगरी से सीधे राखी सावंत कैटेगरी में डाल सकते हैं, और इसी वजह से रणवीर सिंह को फिर से मिल जाता है फैशन पोकेमोन का खिताब। और मिले भी क्यों ना, आखिर सर जी कभी दीपिका की स्कर्ट पहन लेते हैं, कभी हैरी पॉटर का कोट पहन लेते हैं, कभी सामुराई की आधी कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं, तो कभी आई डोंट इवन नो व्हाट टू से, क्योंकि इस बंदे ने लिटरली इतनी अति कर दी है ना कि अभी कहीं नॉर्मल कपड़े भी पहन के पहुंचा है ना तो अजीब लगने लगता है। बट ऑनेस्टली एक बार देखो कि कितना मस्त लगता है बंदा नॉर्मल कपड़ों में। ओके, नेवर माइंड यार, मेरे को ना ये बात बड़ी अनफेयर सी लगती है कि हर कोई हर जगह हर वक्त हंसता है, लेकिन सबसे ज्यादा मीम्स प्रियंका चोपड़ा के ही बनते हैं। आई मीन रिमेम्बर दैट, प्रियंका कीचड़ चोपड़ा, प्रियंका चद्दर चोपड़ा, प्रियंका पिरामिड्स चोपड़ा, प्रियंका कवर चोपड़ा, प्रियंका चाय चोपड़ा, प्रियंका पिज्जा चोपड़ा, प्रियंका चीजपुल चोपड़ा। ओके, हो गया, पॉइंट प्रूव हो गया। बट डिड यू गाइस नोटिस कि कंपैरेटिवली रणबीर का
रणवीर, हर बार रणवीर रणवीर, ओ माय गॉड, यस रणवीर का बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा शादी का टेंट पहन के घूमने के लिए। वैसे टेंट से याद आया कि रिसेंटली ना अभी सोनम कपूर, ओ आई मीन सॉरी, सोनम कपूर का मैटरनिटी फोटोशूट हुआ जिसमें भी लोग कह रहे हैं कि वो टेंट जैसी लग रही है, बट आई डोंट थिंक दैट्स नाइस। मतलब यार ऐसा थोड़ा ना होता है कि निकी मिनाज करे तो आइकॉनिक मोमेंट, बट सोनम कपूर करे तो शादी का टेंट। ट्रस्ट मी ये लाइन बहुत अच्छी लग रही थी जब मैंने लिखी थी, बोलते हुए आई रियलाइज ये बहुत ही फुद्दू है, बट व्हाट आई मीन इसके ऐसे नहीं बोलना चाहिए यार, क्योंकि वो टेंट नहीं लग रही है। आई मीन कहाँ से टेंट लग रही है वो, क्योंकि टेंट तो वो इसमें लग रही है और इसमें और इसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि सोनम सिर्फ टेंट जैसे कपड़े पहनती है, क्योंकि वो पेंसिल और पेंसिल के छिलके जैसे दिखने वाले कपड़े भी पहनती है। आई थिंक ऑनेस्टली ऐसे फैशन क्राइम्स के लिए सोनम को जेल हो जानी चाहिए। क्या हो रहा है आज एकदम, मतलब बैक टू बैक मैं मस्त जोक मार रहा हूँ। वैसे जेल से याद आया कि अभी रिसेंटली मुझे भी ना जेल से निकलने वाली फीलिंग आई व्हेन आई एक्चुअली वेंट आउट ऑफ द हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम सर्जरी के बाद, और मैंने अपनी कार भी ड्राइव की। सो हैव अ लुक एट दैट ब्लॉग ऑन शिवम थिंग्स, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो यार देखो, आई अंडरस्टैंड कि फैशन इज डिफिकल्ट, मतलब कभी ऊपर अगर कुछ सही होता है तो नीचे अतरंगी होता है, और अगर कभी नीचे कुछ सही होता है तो ऊपर कभी कभी कुछ होता ही नहीं है। ऑल्सो सलमान सर पोलका डॉट्स क्यों पहनेंगे? पोलका डॉट्स तो सिर्फ प्रेगनेंसी में पहनते हैं ना बॉलीवुड वाले, अनलेस सलमान खान इज ऑल्सो। खैर, आई वाज सेइंग कि आई नो कि फैशन इज हार्ड, इसलिए हर बार कुछ नया यूनिक सा अमेजिंग करना आई नो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे अगर विनीता सिंह और सोनम कपूर ने सेम ड्रेस पहनी है। लेकिन जब अनन्या पांडे और राखी सावंत ने सेम ड्रेस पहनी है तो हम जरूर हंस सकते हैं। ओ देखो अनन्या मैम, अनन्या जी, अनन्या जी, अनन्या जी, अनन्या जी, रुकिए ना, रुकिए ना, रुकिए ना। हाय गाइस, इट्स मी अनन्या पांडे अगेन। अनन्या जी, सुना है आपने कॉफी विद गन पे बहुत बकवास करी है। अनन्या जी, आपको पता है राखी सावंत ने आपकी एक ड्रेस को कॉपी करा है, लेकिन लोग कह रहे हैं वो ज्यादा अच्छी लग रही थी। मुझको कंपेयर कर रहे हैं विद राखी सावंत, ओ माय गॉड। वेल आई वुड लाइक टू से इट्स लाइक अ कॉम्प्लीमेंट, एंड आप लोग फिर से बाहर में जाइए। अरे रुकिए ना अनन्या जी, अनन्या जी रुकिए ना, अरे रुकिए ना अनन्या जी, बताओ अनन्या जी कहां जा रही हैं? अनन्या, आई लव यू। अरे इसको छोड़, वो देख मलाइका जा रही है, उसके पीछे चलते हैं। बिचारी मलाइका का इतना मजाक उड़ाया सबने, बत्तख जैसे चलती है, बत्तख जैसे चलती है बोल बोल के, कि बिचारी ने फोटोग्राफ्स के लिए रुकना ही छोड़ दिया। हमारी मलाइका मैम एकदम बत्तख जैसी दिखती है, देखो। हाय एवरीबॉडी, हाँ चलो मैं जा रहा हूँ। मलाइका जितनी ऑकवर्ड हो गई है उसकी उतनी ही ऑपोजिट हो गई है करीना कपूर खान, जिसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है। करीना जी, करीना जी थोड़ा आगे आ जाओ ना। आई वंडर के इस टाइम पे करीना के दिमाग में चल क्या रहा होगा। हाँ फिर आ गए साले मुंह उठा के, आए हाँ ठीक है। करीना जी, करीना जी बोलिए ना, बोलिए ना, करीना जी वन फोटो प्लीज। मत करो यार, ठीक है चलो, हाँ ओके जा रही हूँ, निकलो तुम लोग भी अब। वेल ओके देन, करीना जी ने बोला तो हम भी निकल लेते हैं, वरना मैडम का मूड तो ऐसा लग रहा है अभी दो थप्पड़ मारेंगी। खैर, दैट वाज इट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको वीडियो कैसा लगा। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माय सेकंड चैनल शिवम थिंग्स, जहां भी मैं रेगुलर अपलोड करने लग गया हूं, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो। बाय बाय।